है तो कभी कभी डाउट होता होगा कि ये किस लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नए लुब्रिकेटर के बारे में। तो ये जो लुब्रिकेटर होता है, तो इस पे देखिए यहाँ पे एक एरो मिल जाएगा जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एयर इस साइड से जाएगा और इधर जेनेटिक्स लिखा हुआ इस साइड से आउट होगा। और इसमें जो ये जो लगे हैं इनके क्या काम है, तो यहाँ से हमको तो बीच में जो ग्लास लगा है इससे ये पता चलता है इसमें से ऑयल का फ्लो जा रहा है। जब इधर से एयर जाएगा तो यहाँ से हमको शो होगा कि इसमें ऑयल चल रहा है, यहाँ से जाके ड्रॉप बन के गिरेगा। और जो ये है, तो ये जो ये छोटा सा, इसको रोटेट करने पर जब इसको हम खोलेंगे तो इससे जो ऑयल का फ्लो है वो बढ़ेगा। यहाँ पर जितना इसको करेंगे, ये फुल खोल देंगे तो ऑयल का फ्लो फुल चलेगा। और फुल जब चलाएंगे तो ये बहुत जल्दी ही इसका ऑयल कंजप्शन बढ़ जाएगा काफ़ी तेज़ी में। और ये जो तीसरा है, तो कभी कभी डाउट होता होगा कि ये किस लिए है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसको मैं आपको ओपन करके ही बता देता हूँ, ऑयल फिलिंग के लिए है। तो यहाँ से आप देखिए ऑयल फिल हो जाता है और इसमें से ऑयल डालेंगे तो और यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर लेवल बना हुआ है, ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल है, यानी इसी के बीच में मेंटेन रखना है ऑयल को, जो कि कंजप्शन के हिसाब से ऑयल इसमें फिलअप करते रहना है। लुब्रिकेटर से जो ऑयल आगे जाएगा तो सिलेंडर, सोलनाइट, वाल्व सब जगह जाएगा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी होती है, जल्दी सील उसके डैमेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस लुब्रिकेटर को जिसको हम ओपन करेंगे, तो काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि यहाँ से एयर लीक करते रहता है। तो यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे एक सील डली हुई है, जो इस सील को हमें चेंज करना होता है। इस सील को जब हम चेंज कर देंगे तो इसके बाद यहाँ से प्रेशर लीक की समस्या ख़त्म हो जाती है। और कहीं पे यहाँ से लीकेज होता है, यहाँ पे तो फिलहाल ये लॉक है इसलिए नहीं होता है। जब वहाँ पे लीक होता है तो जैसे कि वाटर का जो ड्रेन का होता है उसमें लीक होता है, वहाँ पे भी छोटी छोटी सीलें लगती हैं। तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, रिपेयर की कंडीशन होगी तो रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे लगाने के लिए नया एल्बो है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे, जिससे एयर लीक की समस्याएं नहीं होंगी। और यदि थोड़ा भी एयर लीक होता है तो जो कि प्रेशर जल्दी रिलीज हो जाता है और टैंक में प्रेशर नहीं रहता है। और जब यहाँ से एल्बो से प्रेशर लीक हो रहा है, इसके कॉर्नर से जो हम इसको दबाते हैं इसके साइड से, तो ये एल्बो ख़राब हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं है, फिर इसको चेंज ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर टेफ्लॉन लगाने के बाद इसको लुब्रिकेटर में लगाएंगे। तो यहाँ पे जो एल्बो है को यहाँ से ही लगा लेंगे, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेप्लान टेप लगा लिए हैं। और इसको अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और टेप्लान से एयर लीक नहीं होता है। और यहाँ पे भी देखिए, तो इन का पॉइंट यहाँ एरो बना हुआ है और यहाँ इन, और यहाँ पे आउट नहीं लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक साइड इन लिखा हुआ है और दूसरे साइड आउट नहीं है। तो इन पे इन लगाएंगे, जो प्रेशर का इन पॉइंट होता है, यदि इधर से हम लगा देंगे तो प्रेशर तो जाएगा लेकिन ऑयल का जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी ये जो ऑयल है, तो इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से जो ढीला ऑयल है, तो ये यदि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इस लुब्रिकेटर में नहीं चलेगा। ये बहुत हल्का ऑयल यूज करते हैं और ये हाइड्रोलिक ऑयल है, जो दूसरा ऑयल मिलता है लुब्रिकेटर के लिए स्विंग के द्वारा, वो थोड़ा कलर में डिफरेंस होता है और वो भी इसी क्वालिटी में होता है, थोड़ा सा और लो ग्रेड में आता है। मतलब इसमें जो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो हल्का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अभी चाहे यहाँ से हम ऑयल डाल दें चाहे इसको ओपन करके डाल दें, दोनों है। अभी जब यहाँ पर फिटिंग कर देंगे तो यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाता है और यहाँ से टाइम लगेगा टॉपअप के लिए। यदि यहाँ से हम इसको ऑयल को डालते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से इसमें से ये टॉपअप के लिए है कि इसमें हम ऑयल जब फिल करना है तो यहीं से करना है। ये अभी थोड़ा सा मैक्सिमम से थोड़ा सा ऑयल कम है और इसको फिल कर देंगे, मैक्सिमम रख लेंगे। ये मैक्सिमम तक अभी ऑयल हो गया, अब इतना ही ऑयल रखेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अभी यहाँ पे इस लुब्रिकेटर को लगा लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे पहले लगा हुआ था। और पहले वाले का भी मैं प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रहा था वो भी मैं आप लोग को मैं बताऊंगा कि पहले वाला लुब्रिकेटर क्यों चेंज करना पड़ा है। जो लुब्रिकेटर है, और यहाँ पे ऑयल देखिए ये किस तरह से हो जा रहा है, ये काफ़ी ख़राब हो गया है और यहाँ से भी ये टूट गया, इसको लॉक किया। और ये मेन रीज़न ये है कि इसका ऑयल जो ड्रॉप बनना चाहिए वो नहीं बन रहा था, यहाँ से इसमें ख़राब हो गया। और इसके अंदर जो पाइप लगी होती है और उसके अंदर जो रबड़ का एक वाशर होता है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये नहीं काम कर रहा था। इसके जगह पे हमें दूसरा मंगाना पड़ा। अभी इसकी पाइपें यहीं यूज करेंगे। और ये एल्बो भी यहाँ से लीक कर रहा था, इसलिए नया एल्बो मैंने लगाया है ताकि प्रेशर रिलीज ना हो। लुब्रिकेटर ख़राब होने की वजह से ये पाइप जो है हमें बाईपास करके चलाना पड़ा था, अब इसको हटा देंगे, अब लुब्रिकेटर के माध्यम से चलाएंगे। और यहाँ से जब ऑयल इसमें आता है तो जितने इक्विपमेंट आगे लगे हुए हैं सभी में ऑयल एयर में हल्का सा ऑयल की मात्रा बना रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस प्रकार से जो लुब्रिकेटर को लगाने के बाद कंप्लीट हो गया है वर्किंग के लिए। अब इसमें आगे देखेंगे ऑयल कंजप्शन किस प्रकार से होता है।
अब यहाँ पे प्रेशर ऑन करते हैं, उसके बाद लुब्रिकेटर को चेक करते हैं। प्रेशर ऑन हो गया और इसके लिए हमने एक यहाँ पे पाइप निकाल दिया है जिससे सोलेनॉइड वाल्व को ऑन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे ड्रॉप्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रेशर आगे रिलीज हो रहा है तो यहाँ से ड्रॉप बन रहे हैं और एक काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल करने के लिए लगा है इसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लो कम हो गया। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।